नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। अब आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि आप हाइड्रोपोनिक खेती कैसे कर सकते हैं, मतलब बिना मिट्टी का खेती। तो आप लोगों को बहुत जल्द वीडियो देखने को मिलेगा। देखिए, अभी मैंने टमाटर का बीज लगाया है और यह इतना बड़ा बड़ा हो गया है। देखिए, जब यह तैयार हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसे हाइड्रोपोनिक खेती करेंगे इसका, जिसमें हम मिट्टी का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, और वह बहुत आपको सस्ते में हो जाएगा। समझ में आ गया, आप घर पर बहुत ही आसानी से हाइड्रोपोनिक खेती कर सकते हैं। देखिए, यह अभी पौधा तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं जब इसे लगाऊंगा हाइड्रोपोनिक तरीके से, तब उसका मैं वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा और उसका मैं अपडेट आपको देता रहूंगा कि उसमें कितना फ्रूट आता है, कितना वह लाभकारी है। अगर हम हाइड्रोपोनिक खेती करते हैं तो वो लाभ करेगा या हानि करेगा, उसमें क्या हमें फ़ायदा होगा, मैं आपको वो अभी बताऊंगा। यह देखिए, मैंने इतना टमाटर का बीज लगाया हुआ है, यह बढ़िया क्वालिटी का बीज था। और उसके बाद देखिए, हाइड्रोपोनिक खेती करने के लिए यहाँ पर मैं उसका खाद तैयार कर रहा हूँ। देखिए, यह मैं खाद तैयार कर रहा हूँ, इसमें मैंने गोबर का सड़ा हुआ खाद लिया है और उसे मैंने थोड़ा उसमें मिट्टी मिलाकर और राख, लकड़ी को जलाकर जो राख बनता है वो अभी मैंने इसमें मिलाया है। अब मैं इसे सड़ने के लिए रखा हूँ। इसमें मैं देखिए थोड़ा थोड़ा पानी इसके ऊपर मैं उपकार देता हूँ, जिससे बढ़िया से सड़े। समझ में आ गया। और उसके बाद हाइड्रोपोनिक खेती करने के लिए देखिए, यह हम लेंगे चावल का जो छिलका होता है, इसी से हम हाइड्रोपोनिक करेंगे खेती। इसमें आप कोकोनट का ले सकते हैं, कोकोनट पीट ले सकते हैं, लेकिन वो आपको महंगा मिलेगा और यह इस समय आपको बहुत ही सस्ते रेट पर मिल जाएगा। अगर आप गांव एरिया में रहते हैं तो आपको फ्री मिल जाएगा। हो सकता है आप भी धान लगाए होंगे तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसे देखिए, मैंने पानी में भिगो कर रखा हूँ। देखिए, यह जब थोड़ा तैयार हो जाएगा खाद, तो हम इसी में हाइड्रोपोनिक खेती करेंगे। मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि आपको बिना मिट्टी का खेती कैसे करना है, लेकिन उसके लिए मैं जो आपसे हमेशा कहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी उसका दूसरा पार्ट आएगा। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, देखिए, बिजनेस आप किसी का भी करें, जैसे मान लीजिए आप सब्जी का बिजनेस कर रहे हैं, या आप डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस कर रहे हैं, या आप कुछ का बिजनेस अगर करना चाहते हैं बिजनेस, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यह सब वीडियो बना के दिखाता हूँ। समझ में आ गया। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको खेती से संबंधित मैं जानकारी दूंगा, जिससे आप लोग बहुत ही कम खर्च में, बहुत ही कम पूंजी लगाकर अपना घर पर ही बिजनेस कर सकते हैं। सब्जी के बिजनेस में आपको कम कमाई नहीं है, सब्जी के बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा कमाई है। समझ में आ गया। अगर आप बढ़िया से करते हैं वैज्ञानिक तरीके से, तो आप उससे बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। ये देखिए, मैंने नींबू का पौधा भी लगाया हुआ है, इस पर मैंने आपको बहुत ज़्यादा वीडियो बना के दिखाया हुआ है। इसी से मैं बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए, अगर मुझे डिटर्जेंट पाउडर में या लिक्विड डिटर्जेंट में या हैंड वाश में नींबू का यूज करना है, तो मैं इसी का करता हूँ। ये देखिए, ये एकदम बहुत ज़्यादा इसमें खुशबू आता है। तो आपको आने वाले समय में सब वीडियो देखने को मिलेगा। ये देखिए, मैंने जिम मशीन भी बनाया था। आप लोग इस पर कमेंट नहीं किए, ज़्यादा ज़्यादा आप लोग सपोर्ट नहीं किए, इसीलिए यह मैं इसका वीडियो अभी नहीं बना पा रहा हूँ। देखिए, यह आपको देखिए मशीन बनकर पूरा तैयार हो गया है, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं किए, ज़्यादा इस वीडियो पर सपोर्ट नहीं किए, इसीलिए इसका वीडियो अभी नहीं आ रहा है। समझ में आ गया। आप लोग अगर ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो इसका वीडियो बहुत जल्द आएगा। आप इस पर कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, यह सब आपको देखने को मिलेगा। देखिए, तो पुल्ली यहाँ पर भी लगा है, मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर देखिए, आप इसे
इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए यह सब बना हुआ है, यहाँ पर इंक्लाइन हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर डिक्लाइन फ्लैट इंक्लाइन, यह मैंने चावल के छिलके से जलने वाला भट्टी बनाया था। ये इस पर भी आप लोग ज़्यादा लाइक नहीं किए तो इसका भी वीडियो भी नहीं आएगा। जब आप लोग ज़्यादा लाइक करेंगे तभी इसका वीडियो आएगा। तो आपको अगर देखना है हाइड्रोपोनिक खेती आप कैसे घर पर कर सकते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका एक पूरा सीरीज चलाऊँगा कैसे आप कर सकते हैं और इसमें कितना ज़्यादा आपको लाभ होगा। समझ में आ गया, इसमें आप बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी जगह है, अगर नहीं भी जगह है तो आप अपने छत पर चाहे वहाँ पर भी करके आप पैसा कमा सकते हैं। इसमें देखिए हाइड्रोपोनिक खेती करने के लिए मेन आपको लेना होता है कोकोनट पीट, वो भी आपको बहुत ही आसानी से अगर मार्केट में नहीं मिल रहा है आपके मार्केट में तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको चावल के छिलके से हाइड्रोपोनिक खेती करके बताऊँगा जिसमें आपका लागत एकदम जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया, तो इसका वीडियो बहुत जल्द आएगा या जब थोड़ा पौधा जब तैयार हो जाएगा तो मैं इस पौधे को लगाऊंगा। 4 इंच के जो पाइप आता है उस पर यह सब लगेगा, उसमें आपको कौन सा खाद देना है, ये आपको कूलर मोटर जो आता है पंप उसे भी उसका भी यूज करना है, थोड़ा पाइप लगेगा, तो यह सब आपको आने वाले वीडियो मिलेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग और क्या देखना चाहते हैं, यह एक आपको मैं नया जानकारी दूंगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो में बढ़िया से बढ़िया नॉलेज मिले। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।